वकील साहब, जितना जल्दी हो सके इस कंपनी का लाइसेंस कैंसिल करवाएं। ठीक है, आप फिक्र नहीं करें, मैं ये काम आपको आज ही करवा दूं। क्या सुना जा रहा है कान लगाकर? हाँ अफसा, वो क्या? हाँ बदनाम मुझे करती हो और साजिशें तुम्हारी भी कुछ कम नहीं है। दलाल के पास मिनल का फोन आया था, बहुत रो रही थी वो। आई थिंक उसके घर में फिर से कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई है। ठीक है ठीक है, आप टेंशन मत ले, मैं जाती हूँ। अच्छा सदफ, मुझे जरूर बताना प्लीज। जी मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अब मेरे पास नहीं कुछ देने वीरा के सिवा। मिनल, मैं तुम्हारे ससुराल के झगड़ों के बारे में जानती हूँ। मुझे आसिम ने बताया है कि हफ्सा और आंटी कितनी तेज और झगड़ालू हैं। तुम्हें अपने ससुराल के प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ ये किसने किया है? सदफ, तुम इस बारे में कुछ नहीं कर सकती हो। और प्लीज माइंड मत करना, ये मेरे पर्सनल फैमिली मैटर्स हैं। लेकिन इस मैटर में मेरी दोस्त को अजियत दी जा रही है, मेंटल और फिजिकल टॉर्चर दिया जा रहा है। मैं इस पे खामोश नहीं रह सकती मनल। मुझे अपनी दोस्त कहती हूँ ना, तो मेरी बात पर यकीन करो। सब में तलाल है मेरे साथ, वो सारे मामलात को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बता, तुम्हें किसने बताया कि यहाँ कोई मसला हुआ है? वो तुम्हें याद है कि तुम मेरे घर आने वाली थी तो तुम आई नहीं। मैं इतनी देर तक इंतजार करती रही, फिर मैं तुम्हें खुद लेने आ गई। बस तुम्हारे चेहरे पे पढ़ लिया मैंने सब कुछ। क्या हुआ मैंने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदफ कैसी हो? मैं ठीक। क्या हुआ मैंने? आप मुझे ये बताओ कि हफ्सा ने आपसे क्या कहा है? नहीं बताऊंगी कि हफ्सा ने मेरे साथ क्या किया, और ना ही आपसे पूछूंगी कि आपने अंकल आंटी के साथ क्या किया है। वो लोग बहुत प्यार करते हैं आपसे, और आपने आपने दिल दुखाया है उनका। इतनी सख्त बात करती हूँ उनसे। अच्छा, तो अब वो लोग आपको मेरे खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्या हो गया आपको? मुझे समझ नहीं आ रहा है आप उनके लिए इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं। माँ बाप है आपके, और तलाल माँ बाप का नेमुल बदल कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मैं हफ्सा को बुलाता हूँ, वो माफी मांगेगी तुमसे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप अंकल आंटी से जाके अपनी गलती की माफी मांगेंगे। मिनल आप समझ नहीं रही हो। क्योंकि मैं समझने की कोशिश कर ही नहीं रही हूँ तलाल। माँ बाप जितनी भी गलत या भारी बात करते हैं, उनका गुस्सा वक्त ही होता है। कुछ वक्त बाद वो नरम पड़ जाते हैं और मान भी जाते हैं। लेकिन अगर उनके भारीपन को हम कायम रहने दें तो यकीन मानिए बहुत खुश होते।
बैठिए आप। तुम मुझे मिनहल का बताओ, उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया गया था? कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया मिनहल को, वो बिल्कुल ठीक थी, इत्मीनान से अपने कमरे में थी। जानती थी कि तलाल भाई आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और तलाल भाई आए भी और उसके साथ खड़े रहे। आप प्लीज बैठिए। अगर वो आ गया है तो इतनी खामोशी क्यों है? शायद भाई को समझ आ गई कि गलती मिनहल की है। उसके साथ खड़े होने के बावजूद भी तलाल पर से भरोसा कमजोर हो रहा है मेरा। सदफ, वो कुछ नहीं कर सकता सदफ मिनहल के लिए। अपनी बिगड़ी हुई बहन को तो आज तक कंट्रोल कर नहीं पाया वो, और मुझे पूरा भरोसा है हर बार पहले से ज्यादा बेइज्जती करती होगी वो मिनहल की। करती होगी, लेकिन आप तलाल भाई की सिचुएशन को भी तो अंडरस्टैंड करें। एक तरफ उनकी बीवी है तो दूसरी तरफ बहन है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बीवी को बहन के आगे जलने मरने के लिए छोड़ देगा। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ तलाल भाई को कि इससे पहले पानी सर से ऊपर जाए वो मिनहल को उस अजाब से बाहर निकाल लेंगे। कब सदफ, कब? बैठो, बैठो। लेकर जा रहे हैं आप मुझे? तलाल, तलाल, आज तलाल भाई ने मुझे अपने घर में देखा तो वो समझ गए कि उनके घर के हालात मुझसे छुपे हुए नहीं हैं। मैं और आसिम मिलकर तलाल भाई को समझाएंगे, और मुझे पता है कि वो नहीं समझेगा। जो आदमी आज तक नहीं समझा वो अब क्या समझेगा सदफ, बताओ मुझे। अब मैं खुद जाकर अपने तरीके से समझाऊंगा उसे। क्या खुद समझाएंगे? किस हक से समझाएंगे आप? क्या कहेंगे आप? क्या आप मिनहल को चाहते थे या चाहते हैं? और आपको क्या लगता है वो अपनी बीवी के बारे में इतनी बड़ी बात बर्दाश्त कर लेंगे? आज जो आप उनके दरवाजे तक गए ना, ये भी आपने बहुत बड़ी गलती की है। आपकी छोटी सी गलती मिनहल की आबाद जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। हैदर भाई, आप जोश से नहीं होश से काम लीजिए। आप मिनहल से हमदर्दी तो कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अब आपका मिनहल से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रहा कि आप उसकी जिंदगी में इंटरफेयर करें। मिनहल भी ऐसा नहीं चाहेगी। इसलिए हैदर भाई, खुदा के लिए आप मेरी बात को समझिए। आप मुझ पर भरोसा करें, मैं खुद शाम को मिनहल के पास जाऊंगी। अगर मुझे उसके घर में कुछ भी गड़बड़ लगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तलाल भाई से खुद बात करूंगी इस बार। मगर प्लीज प्लीज आप कुछ मत कीजिएगा। आप दोनों हमेशा मुझे इल्जाम देते रहे, लेकिन भाई समझ चुके हैं कि सारे फसाद की जड़ वो मिनहल है, इसीलिए उसे छोड़ने गए उसके प्यारों के घर। तलाल, 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 क्या बात है बताएं मुझे। शायद बहुत बड़ी बात होगी। कि जो बातें मैं अपने माँ बाप अपने घर वालों के बारे में सोचना भी नहीं चाहता वो तुम्हें बताऊं। मिनहल तुम्हें याद है? शादी से पहले एक बार मैं तुम्हारे घर खास तौर पे तुमसे मिलने आया था। मिनहल बेटा, तलाल तुमसे कुछ बात करना चाह रहा है।
मेरे पेरेंट्स ने आपके घर वालों से कहा कि कुछ अर्से पहले मैं और मेरे अबू बिजनेस करते थे जिसमें हमें नुकसान हुआ और सब खत्म हो गया। हाँ, अच्छी तरह याद। आंटी का फोन आ गया था और फिर आप चले गए थे। उस वक्त तो मैं ये सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अब समझ में आ रहा है शायद उसमें भी अम्मी की कोई चाल थी। ये क्या कह रहे हैं आप तलाल? दरमियान में भी ऐसी बहुत सी बातें होती रहीं जो मुझे नागवार गुजरी। मैंने तुम्हारे नोटिस में लाए बगैर अम्मी अब्बू को खबरदार करने की कोशिश की। उन्होंने बजाहिर तौर पे तो मेरी बात मान ली, लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी जो उन्होंने ही मेरे दिल में मुझे तसल्ली देने के लिए डाली थी। दलाल, आप प्लीज खुलकर बताएं, कहना क्या चाहते हैं आप? मिनल, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मेरे माँ बाप ने हमारी शादी कराने के लिए बहुत कोशिशें की, यहां तक कि मेरी अम्मी ने नवाफिल पढ़े, दुआएं भी मांगी। हाँ, तो अल्लाह ने उनकी दुआएं कबूल की, उनकी इबादत कबूल हुई, तभी तो हम एक हैं तलाल। काश एक ना हुए होते। क्या कह रहे हैं आप? मैं तो शुरू से ही इस शादी, इस रिश्ते से इनकार करता रहा, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। काश आप ही इनकार करते थे। क्या आप मेरे साथ खुश नहीं है? बहुत खुश हूं, तुम्हारे साथ ही तो खुश हूं मैं ना। लेकिन पर भरोसा करते हैं तो ये जो बोझ अपने दिलो दिमाग पर लेकर घूम रहे, इसे उतार दे और बताएं मुझे कि आप क्यों नहीं चाहते थे कि हम एक हो जाएं। क्योंकि मेरे माँ बाप ने ये शादी तुम्हारी दौलत की लालच में करवाई है। उस दिन जब तुम्हें जख्म आया और मैं चंद दिनों के लिए ऑफिस नहीं गया, चली गई तुम्हारी सहेली तुमसे? मैं नल नहीं आई थी, मैं गई थी वहां पर। क्या हुआ? कोई नया झगड़ा हुआ क्या? तो
बड़ा बोझ था मेरे दिलो दिमाग पे, छवा जो कर गया। मिनल, कुछ तो बोलो मिनल, तुम्हारी ये खामोशी मुझे अजियत दे रही है। मैं खुद को चोर महसूस कर रहा हूं। क्या आपको भी लगता है मैं गलत हूं? अगर ऐसा ही है तो मुझे ऐसा नहीं है तलवार, आपने जो कुछ भी कहा वो तो मैं सोच भी नहीं सकती। और आपके बारे में तो कभी भी नहीं, आपने कहा ना कि आंटी ने हमारे लिए दुआएं मांगी थी, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने वो दुआएं कबूल की। और हम दोनों को एक साथ लिखा तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने वो दुआएं कबूल की और मेरे नसीब में आपका साथ लिखा। अब तुम बताओ मुझे मेरा, मुझे क्या करना चाहिए? आपको जो करना है मैं साथ दूंगी दरवाजे तक गए ना, ये भी आपने बहुत बड़ी गलती की है। आपकी छोटी सी गलती मिनल की आबाद जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। हैदर भाई, आप जोश से नहीं होश से काम लीजिए। आप मिनल से हमदर्दी तो कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अब आपका मिनल से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रहा कि आप उसकी जिंदगी में इंटरफेयर करें। मिनल भी ऐसा नहीं चाहेगी। हैदर भाई, खुदा के लिए आप मेरी बात को समझिए। उसने तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं की और तुम परेशान हो गई बेटा। आंटी, हैदर बहुत फ्रेंडली है, लेकिन पता नहीं क्यों कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी कॉल्स की वजह से कहीं वो इरिटेट ना हो जाए। अरे अरे नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर मेरी कॉल्स ना रिसीव करने की क्या वजह हो सकती है आंटी? बेटा बिजी होता है वो, उसके प्रोजेक्ट्स हैं, मीटिंग्स हैं, काम का लोड है। और तुम्हें नहीं पता, शुरू शुरू में तो मैं भी बहुत परेशान हो जाती थी क्योंकि वो मेरी भी कॉल्स रिसीव नहीं करता था। अच्छा, आपकी भी कॉल रिसीव नहीं करता? हाँ, क्योंकि बहुत बिजी होता है। मगर अब मैं परेशान नहीं होती और तुम भी मत हुआ करो।
अब नहीं हुआ करूंगी आंटी। अच्छा ये बताओ नूर का क्या हाल है? नूर तो बहुत तेज हो गई है, पूरे घर को नचाती है वो। इस्लामाबाद में हम सब कजन्स कितना अच्छा वक्त गुजारते थे, तुम्हें याद है ना जायदा? मिनर भी कह रही थी कि आप लोग चली जाएं, अच्छा वक्त गुजारें, लेकिन तुम कोई प्रोग्राम ही नहीं बनाती। भाभी अगर आपका दिल चाह रहा है तो अगले हफ्ते का प्लान बना लेते हैं। ठीक है फिर परसों हम शॉपिंग पे चलते हैं, मिनल को भी साथ ले लेंगे, अच्छी सी शॉपिंग करा देगी हमें। ठीक है से मेरा मिनल की तरफ जाने का दिल कर रहा है भाभी। अरे कुछ दिन पहले ही तो हम होकर आए उनके घर से, मेरा ख्याल है कि उनको यहाँ बुला लेते हैं, रौनक भी हो जाएगी घर में। हाँ ठीक कह रही हैं आप, कल ही बुला लेते हैं ना उन्हें खाने पर। पता नहीं तलाल ने तुम्हें बताया कि नहीं, वो जिक्र तो बहुत सारी बातों का हुआ है, आपका इशारा किस तरफ है? दरअसल बेटा तलाल कई दिनों से ऑफिस नहीं गया था, आज गया तो उसके दिल में न जाने किसने गलत फहमी पैदा करा दी। तलाल इतनी आसानी से किसी ऐसे वैसे की बातों में आने वाले नहीं। अब मेरे पास नहीं कुछ दिल वीरान के सिवा। शुक्र है आप लोग आ गए, मैं तो कॉलेज से आके परेशान हो गई हूँ। क्यों क्या हुआ? अम्मी अबू अंदर दरवाजा बंद करके बैठे हैं और हफ्सा पता नहीं इसने चंद दिन कैसे ठीक गुजार लिया, आज फिर भूखी शेरनी की तरह धाड़ने लगी है। उसके कमरे में कदम क्या रख लिया, धक्के देकर मुझे कमरे से बाहर निकाला है, और तो और खाना भी नहीं बना हुआ, चाय के साथ ब्रेड खाकर पेट भरा है अपना। पता नहीं अब क्या हुआ है। कुछ नहीं हुआ है, चलो हमारे कमरे में चलकर बैठो। मुझे पता है आज भी आप ही के साथ कोई ज्यादती हुई होगी। बताएं मुझे अगर अफसा ने फिर आप पर हाथ उठाया होगा या आपको बुरा भला कहा होगा, मैं ऐसे छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है दानिया, चलो आओ कमरे में। नहीं नहीं आप लोग थके हुए लग रहे हैं, रेस्ट करें, मैं भी थोड़ी देर ड्राइंग रूम में जाके आराम कर लूंगी। दानिया को भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं? करूंगा मैं अबू से बात, पूछूंगा उनसे, देखते हैं। चला नहीं दे सकता मैं तुम्हें इजाजत। पर आसिम मिनल मेरी दोस्त है और वो इस वक्त बहुत मुश्किल में। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? आंटी और हफ्सा ऐसा नहीं है कि तुम वहां जाओगी तो मिनल की हमदर्दी में बोलने लग जाएंगी या तुम्हें बोलने देंगी, उल्टा वो तुम्हें बेइज्जत कर देंगी, और मुझे तुम्हारी इज्जत बहुत अजीज है इसलिए मना कर रहा हूं।
उनके घर के मामलात में बोलने की कोई जरूरत नहीं। देखो जब वहां लड़ाई झगड़ा होता है ना तो यहां तक आवाजें आती हैं। अभी देखो कोई आवाजें नहीं आ रही, शायद तलाल के आने की वजह से अफसर डर गई हो या खामोश हो गई हो। दुआ करें कि ऐसा ही हो जैसा आप कह रहे। दुआ करो, तलाल ने अंकल की तबीयत खराब होने से पहले जो अलग होने का फैसला किया था आज उस पर अमल कर जाए। पहले तो अंकल खुशी खुशी राजी हो गए थे हमारे अलग होने पे, अब अगर ना जाने दिया तो मैं तब भी चला जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? वो बेटा शबनम को मैं फोन कर रही थी, वो रिसीव नहीं कर रही, सब खैरियत है ना? जी जी मामा, सब खैरियत है। आप उन्हें क्यों फोन कर रही थी? बस मैं और भाभी चाह रहे थे कि तुम सब लोग हमारी तरफ खाने पर कल आ जाओ। मामा तलाल के सब घर वाले तो किसी रिश्तेदार के घर गए हैं, दो दिन तक वहीं रहेंगे। अच्छा चलो ठीक है, जैसे ही वो लोग आते हैं ना तो मुझे बताना। जी जी जरूर बताऊंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मामा सब घर वालों को डिनर पे इनवाइट कर रही थी तो मैंने। ठीक है चलो चलते हैं प्रॉपर्टी एजेंट से मिलने, जो उसने फ्लैट दिखाया था वो देख लेते हैं, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो एक नया देख लेंगे। मैं जानती हूँ कि तलाल और मिनल की भी हालत खराब होगी, लेकिन हफ्सा की बदतमीजी के बाद तुम्हारे अब्बू की तबीयत फिर से वैसी हो गई जैसी उस दिन थी। आपने मेडिसिन दी अब्बू को? हाँ दे दी, और मुझे तुमसे एक जरूरी काम था। क्या? देखो तलाल को बगैर पता लगे किसी भी बहाने मिनहल को कमरे से बाहर बुला लाओ और यहाँ लाकर मेरे कमरे में मुझसे मिलवा दो। भाई से छुपकर क्या कहना है आपने? यह हफ्सा के साथ मिलकर ये भी कोई आपकी साजिश है? उफ़ो तुम मुझे इतना गलत क्यों समझती हो? मैंने मिनल से कोई गलत बात नहीं करनी, बल्कि हफ्सा की बदतमीजी के लिए उससे माफी मांगनी। अम्मी माफी तो भाई के सामने भी मांगी जा सकती है ना? बिल्कुल मांगी जा सकती है, और मुझे तुम्हारे भाई के सामने माफी मांगने पर कोई इशू भी नहीं, लेकिन तुम्हारे अब्बू की तबीयत खराब होने की वजह से मैंने यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, इसलिए मिनल को यहाँ बुला रही हूँ। वो यहाँ आकर इनके सामने माफ करेगी तो इन्हें भी खुशी होगी, अच्छा लगेगा। प्लीज बेटा मेरे दिल की तसल्ली के लिए जाकर बुला लो। जी अम्मा। तौबा है, औलाद मेरी है लेकिन मिनल ने ऐसे हाथों में लिया हुआ है कि जैसे मैं इसकी सगीनी सौतेली माँ। चलो देखते हैं क्या होता है। भाभी अम्मी कह रही थी कि अपनी सारी ज्वेलरी उन्हें दे दें, वो संभाल कर रखेंगे अपने पास। अम्मी से जाके कहो कि ये अपनी ज्वेलरी खुद संभाल लेंगे। नहीं भाई, अम्मी भाभी की इतनी कीमती ज्वेलरी को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकती। देखो बेटा
ये ट्रिप मेरे और तुम्हारे अब्बू की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। तुम अपनी ये गोल्ड की ज्वेलरी मत लेकर जाओ साथ, वहां पर तरह तरह के लोग होंगे। लोग एक मोबाइल के पीछे गोली मार देते और फिर जेवर देखकर तो किसी भी वैशी की राल टपकना शुरू हो जाती है। एटीएम कार्ड किसका है ये? ये मेरे बाबा का है, जो कि तुम्हारे बैग से मिला है। मेरी बेटी के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश कर रहा है, ये चाल है किसी की। पहले ये वीडियो, उसके बाद ये हमाद और सायरा का यहाँ आना। वो कोई और नहीं है अम्मी, वो हमारी आस्तीन की सांप ये भाभी है। आज के बाद तुम मुझे उस लड़के के साथ नजर ना। यही चाहती हूँ कि जल्दी कोई अच्छा रिश्ता फाइनल हो जाए। तुम अपने भाई से बात करो, वो तो बहुत सारी अच्छी फैमिलीज को जानता होगा। बल्कि तुम आज ही अपनी अम्मी की तरफ जाकर बात करो। बेटा मिनल, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी तुमसे। तुम तलाल से इस बात का जिक्र बिल्कुल मत करना कि हमने वहां तुम्हें किस मकसद से भेजा था। तुम होती कौन हो मेरे मामलात में दखल देने वाली? भाईजान, हफ्सा बीबी ना घर छोड़कर भाग गई है। क्या क्या कह रहे हो तुम? हाँ जी, जाते जाते भाभी का सारा जेवर भी लेकर चली गई है। अरे बाहर में जा इसका जेवर। तुम्हें हार थी ना मेरी बेटी से, तुम्हारी वजह से वो घर से भागी। वो मेरी बेटी थी, मैं उसे समझा लेती। तुम्हें क्या जरूरत थी हमारे घर के मामलों में दखल देने की? अम्मी, अम्मी, अब इसको क्यों मारी, इसमें इसका क्या कसूर है? इतना सब होता रहा मेरे साथ और मैं समझी ही नहीं। भाभी आजा। अम्मी आपको अपने कमरे में बुला रही हैं, अगर आपको मुनासिब लगता है तो आप चली जाए। आती गुस्से में लेकर गया, फिर वापस भी ले आया। पता नहीं क्या कर रहा है ये लड़का। उससे गुस्सा तो हम पर ही था। बाज दफा लड़के घर का गुस्सा, वालदैन का प्रेशर अपनी बीवियों पर बहाने से निकाल देते हैं। शायद तलाल ने भी ऐसा ही किया होगा। इतना अकलमंद नहीं है वो, अगर ऐसा किया है तो बहुत अच्छी बात है। काश अपने माँ बाप की इज्जत रख ले। अगर ऐसा है तो वो जरूर आएगी। आपने मुझे बुलाया आंटी? जी बेटा, बैठो, बैठ जाओ। पता नहीं तलाल ने तुम्हें बताया कि नहीं, वो जिक्र तो बहुत सारी बातों का हुआ है। आपका इशारा किस तरफ है? दरअसल बेटा, तलाल कई दिनों से ऑफिस नहीं गया था। आज गया तो उसके दिल में न जाने किसने गलत फहमी पैदा करा दी। तलाल इतनी आसानी से किसी ऐसे वैसे की बातों में आने वाले नहीं है। उनकी बात बिलाल अंकल से हुई थी और बिलाल अंकल ना तो गलत बयानी कर सकते और ना ही नमक हराम। देखो बेटा, ये तो वो बात है जो तलाल ने तुम्हें बताई है। अब तलाल को किसी ने क्या कहा है, कैसे कहा है, उसने तो यकीन कर लिया ना। मेरे खिलाफ ऑफिस में कोई बहुत बड़ी साजिश हुई है। मैं नहीं चाहता कि दुश्मन अपने इरादों में कामयाब हो जाए, तो बेटा तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ठीक है अंकल, ऑफिस में बाबा की कंपनी के एक लॉयर आते हैं,
आपकी मुलाकात हुई होगी उनसे, आपके पास नंबर भी होगा उनका, आपको जो कुछ भी डिस्कस करना आप उनसे कर सकते हैं। और अगर ये भी मुनासिब नहीं लगता तो कानून तो हम सब के लिए, आप कानून की मदद भी ले सकते हैं। खबर देख लिया, देख लिया तुमने? मैं कहती थी ना ये लड़की बहुत तेज है, यही तलाल को हमारे खिलाफ बहकाती है। मेरी हफ्सा गलत नहीं कहती थी, इसने हमारे बेटे को अपने सगे माँ बाप से बदसन कर दिया, हमारे सामने ला खड़ा किया। जी आपका वीजा प्रोसेस के लिए दे दिया, थैंक यू। सर तो इस तरह तो मत करो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, प्लीज अपना मूड ठीक करो। मैंने सोचा था हम मैनल और तलाल भाई के साथ आउटिंग पे जाएंगे, घूमेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन यहाँ तो मैनल के ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूटे। नहीं सदा, तलाल चाहे अपनी फैमिली के सामने अंडर प्रेशर होगा, लेकिन अपनी बीवी के लिए एक सख्त चट्टान की तरह है, और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। काश ऐसा ही हो जैसा आप कह रहे हैं। ये तलाल भाई की गाड़ी की आवाज है ना, मैं 2 मिनट में देख के आती हूँ, शायद मिनल भी साथ होंगे, मैं आती हूँ। सदफ मिनल कुछ नहीं हुआ था, बिल्कुल ठीक हूँ। तलाल भाई बुरा मत मानिएगा, वैसे तो मुझे आज से मना कर रहे थे, लेकिन मैं और मैनल बहुत पुरानी सहेलियाँ हैं, और मैं अपनी सहेली को तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं आपकी दोस्त को तकलीफ नहीं देना चाहता, आप ये दुआ करें कि हमारे मामला सेटल हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूरी काम से जा रहे हैं, आकर बात करती हूँ। खुदा हाफिज। अब मेरे पास नहीं कुछ उसने दिया।